हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। डब्ल्यू के शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। तवानाई के मुतबादिल ज़राए दुनिया के बहुत से दूर उफ्तादा और पसमानदा इलाकों में बिजली की फराहमी को यकीनी बना सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि इन मंसूबों के लिए बहुत ज़्यादा रकम दरकार हो। तफसीलात शामिल हैं आज के शो में। इसके अलावा सवाल में आज पनाह गुज़ीन तलबा का जर्मन माशरे में इंजमाम, स्लॉथ जैसे मासूम जानवर को तहफ्फुज़ फराहम करने की कोशिश और सिगरेट नोशी अदालती टाइम टेबल के मुताबिक। बर्लिन के माहौलियाती इंजीनियर्स ने एक ऐसी पवन चक्की तैयार की है जिसकी लागत महज 400 यूरो है। पुरानी अशिया से बनाई गई इस विंड टरबाइन को आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। इस मंसूबे को कामयाब बनाने में इंजीनियर्स अब इस डिज़ाइन की बदौलत गरीब मुल्कों में भी बिजली की फराहमी को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टील के इस कंटेनर में साइकिलों की मरम्मत की जाती है, टायरों की देखभाल या दीगर छोटे मोटे काम। इस अंधेरे कंटेनर में हाल ही में बिजली पहुंची है। मौसीकी की वजह से काम करने वाले भी खुश रहते हैं। साइकिलों की ये वर्कशॉप बर्लिन के एक साबिक एयरपोर्ट के अहाते में मौजूद है। इसकी खास बात, इसके लिए तमाम की तमाम बिजली खुद से बनाई गई एक पवन चक्की से हासिल होती है जिसकी जमीन से ऊंचाई 10 मीटर है। मैं ज़ाती तौर पर बहुत ही मुतासिर हूँ कि यहाँ पर एक बज़ाहिर बहुत ही पेचीदा चीज़ मौजूद है जो कि यह है भी। इसकी तैयारी के लिए बहुत से मराहिल दरकार होते हैं। वैसे तो तजारती बुनियादों पर बहुत बड़े बड़े विंड टरबाइन तैयार किए जा रहे हैं जो मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, मगर ये जबरदस्त बात है कि आप इसी इल्म को इस्तेमाल करते हुए बहुत छोटे पैमाने पर इसे तैयार कर सकते हैं बगैर किसी बहुत ही हाईटेक वर्कशॉप के। और आइडिया ये है कि एक ऐसी विंड टरबाइन जिसे खुद से तैयार किया जा सके और लागत भी 400 यूरो के अंदर अंदर। इमानुएल डोरन और उनके साथियों को इसके लिए आमतौर पर दरकार सामान पुरानी अशिया से ही मिल जाता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मालूमात, यकसुई और सब्र की ज़रूरत होती है। दो माहौलियाती इंजीनियर्स अब इसे अपनी वर्कशॉप में तैयार कर रहे हैं। इनमें से एक जैकब लाडिपो हैं। वो जल्द ही सिरा लियोन जाएंगे और अपना ये इल्म मकामी अफराद तक मुंतकिल करेंगे। हम एक ऐसे मॉडल पर काम करना चाहते हैं जो लोगों को दिखाया जा सके, यानी काबिल तजदीद ज़राए से बिजली का हुसूल और बताया जा सके कि लोगों, देखो आप लकड़ी या गैस को जलाए बगैर भी तवानाई हासिल कर सकते हो। ये माहौलियाती इंजीनियर्स बर्लिन के एक साबिक एयरपोर्ट पर लगाए गए इस विंड टरबाइन की बाकायदगी से देखभाल करते हैं। इसके मौजूदों का कहना है कि ऐसे इलाकों के लिए इस पवन चक्की के लिए बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद हैं जो ग्रिड से मुंसलिक नहीं हैं। अगर ये टरबाइन अच्छे तरीके से तैयार की जाए और इसके लिए कुछ बैटरी बैंक भी मौजूद हो तो ये दीगर ममालिक में एक गांव को बिजली फराहम कर सकती है। टेम्पल होफ में वाकई इस वर्कशॉप में इस पवन चक्की की मुनासबत से नए मंसूबे तैयार हो चुके हैं। जल्द ही यहाँ एक एंटीना और 3 राउटर नस्ब कर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ मुफ्त इंटरनेट दस्तयाब होगा। पनाह गुज़ीन खानदानों और जर्मन शहरियों के बच्चे स्कूलों में अक्सर अलहदा अलहदा क्लासों में बैठते हैं। तहम मौसीकी के एक मंसूबे की वजह से इनके दरमियान फासले कम हो रहे हैं। वेलकम वीडियोस नामी इस मंसूबे में अफगान, शामी, ईरानी और जर्मन नौजवान एक दूसरे के साथ मिलकर गाते हैं और रक्स करते हैं। ये प्रीमियर से पहले की आखिरी रिहर्सल है। मौसीकी सिर्फ गुलकारी और अदाकारी नहीं सिखाती बल्कि अजनबी भी दोस्त बन जाते हैं। मुझे नए दोस्त मिले हैं, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता था। हाँ, हम हफ्ते में एक मर्तबा मश्क करते हैं। रिहर्सल के दौरान दुनिया के हवाले से
कुछ भी मेरे जहन में नहीं होता। मतलब यह है कि मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्तों के साथ हूँ। माहिर और सीना की उम्रें 18 और 17 बरस हैं। माहिर 2 साल कबल तनहा ही शाम से जर्मनी आया था और अब 10वीं जमात में पढ़ता है। सीना जर्मन है और गुज़श्ता 8 बरसों से बर्लिन में रहती है। सीना के बकौल मौसीकी से इंटरमीडिएट की तैयारी में एक तरह की मदद मिल जाती है। गुज़श्ता 6 माह से ये नौजवान एक साथ मिलकर मश्क किया रिहर्सल कर रहे हैं। ये म्यूज़िकल इनके अपने ख्यालात का तर्जुमान है। इस म्यूज़िकल की कहानी, इसमें एक पुरअमन आवाम पर हमला करते हुए लोगों को यरगमाल बना लिया जाता है। टोड जॉनथन फ्लेचर ने इन तमाम ख्यालात को जकचा करते हुए कहानी की शक्ल दी और गीत लिखे। वो गुज़श्ता 30 बरसों से नौजवानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये नौजवान मुआशरे की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये लोग वक्त जाया नहीं करना चाहते। मेरी पहली जिम्मेदारी बच्चों को ये यकीन दिलाना है कि हम ये कर सकते हैं। सख्त मेहनत से मंजिल का हुसूल मुमकिन है। जब उन्हें अपनी सलाहियतों का इल्म हो जाएगा तो सिर्फ मौसीकी और अदाकारी ही नहीं बल्कि उन्हें रियाजी और बायोलॉजी पढ़ने में भी आसानी होगी। वक्फे के दौरान भी जबान सिखाने में एक दूसरे की मदद की जाती है। इससे पहले मैंने पनाह गज़ीनों के साथ कोई काम नहीं किया। मुझे इन लोगों की जिंदगी का दूसरा पहलू जानने में दिलचस्पी जरूर थी। मैं ज़ाती तौर पर देखना चाहती थी कि ये किस तरह के लोग हैं। शो से पहले मलबूसात पहन कर देखे जा रहे हैं। इन मलबूसात की सिलाई भी इन नौजवानों ने खुद ही की है। मैंने इससे पहले भी मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ थिएटर किया है। इसी वजह से ये मेरी एक इजाफी तरबियत है। मेरे लिए नहीं, संगीत और रक्स का ये मेरा पहला तजुर्बा है। अब ये मेरे लिए मशगला बन चुका है। टोड फ्लेचर की ख्वाहिश है कि इन नौजवानों का ये तजर्बा उनके स्कूलों, दोस्तों और उनके अहले खाना के काम आए। अब लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद ले चलेंगे आपको स्लॉथ या तंबल नामी जानवर के देश में और बताएंगे आपको कि कैसे वहां जानवरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है। ये DW उर्दू की वेबसाइट है। आजाद सहाफत, खबरें, पस मंजर, तज्जिये और तबसरे जर्मनी, यूरोप और दुनिया भर से। अमरीकी मुल्क सरीनाम में स्लॉथ बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। बढ़ती आबादी, दरख्तों की कटाई और दीगर वजूहात के बायस यहाँ जंगलाती रकबा कम होता जा रहा है और इसके साथ ही कई जानवरों की जिंदगियों को भी खतरात लाहिक हो गए हैं। यहाँ एक रेस्क्यू सेंटर किस तरह स्लॉथ और दीगर जानवरों को तहफ़ फ्राहम कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। स्लॉथ या तंबल नामी जानवरों के देश में ये वाहिद रेस्क्यू सेंटर है। टीजा और इसके कई दीगर साथियों का ख्याल यहाँ तहफ्फुज़ माहौल की एक टीम रखती है। इस सेंटर का सबसे कम उम्र रिहायशी 1.5 माह का है। मोनिक पॉल उनके बचाव की कोशिशें करती हैं। कितने सेंटीमीटर? दोबारा एक इमरजेंसी कॉल। ये इस हफ्ते की तीसरी कॉल है। एक लॉन में किसी को स्लॉथ या तंबल नामी जानवर मिला है और मदद तलब की गई है। अब लोगों को इल्म है कि कहां कॉल करनी है। पहले लोग चिड़ियाघर फोन करते थे, लेकिन चिड़ियाघर वाले जानवर नहीं लेते। जानवरों की वेलफेयर सोसाइटी भी ऐसा नहीं करती, लेकिन हम इन जानवरों को देखभाल के लिए रख लेते हैं। परामा रिबू तक पहुँचने में 1 घंटा लगता है और ये इस मुल्क का वाहिद शहर है। मोनिक पॉल के लिए ये जानवर इस कदर आम है कि उन्होंने अपना मुतर्जिम का पेशा भी तर्क कर दिया है। हर मर्तबा कार्रवाई मुख्तलिफ होती है।
پول گزشتہ 12 برسوں سے یہ کام سر انجام دے رہی ہیں اور کافی تجربہ کار ہیں۔ یہ غصے میں ہے اور بہت ہی غصے میں ہے، میں اس کی عادی نہیں ہوں۔ ایک شخص کو شک ہے کہ اس کے ہمسائے نے 3 انگلیوں والے اس جانور کو اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا۔ یہ انتہائی پر امن جانور ہیں، صرف شدید خوف کی صورت میں ہی پنجہ مارتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ بچاؤ کی کارروائی، اس مرتبہ جانور پرسکون ہے۔ شاید یہ 1 سال کا ہے۔ وہ ہر مرتبہ وضاحت کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتی ہیں اور پھر اس کے اثرات بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ لوگ اب جانتے ہیں کہ ان جانوروں کی بقا کو خطرہ لاحق ہے اور وہ ان کی حفاظت میں مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ انہیں سڑکوں سے پکڑتے ہیں اور ہمارے پاس لے آتے ہیں۔ مونیک پول کو اکثر زخمی یا راستہ بھول جانے والے جانوروں کو شہر سے لانا پڑتا ہے۔ پہلے یہاں برساتی جنگل تھا۔ ایک نئے منصوبے کے تحت اب یہاں 700 مربع کلومیٹر پر مہیت نئے مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ دارالحکومت وسیع ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جنگلات کم اور جانوروں کے مسکن سکڑتے جا رہے ہیں۔ مونیک پول کے پاس آرام کے لیے کم ہی وقت ہے۔ تندرست جانوروں کو جتنی جلدی ممکن ہو واپس جنگل میں چھوڑنا چاہیے۔ ریسکیو سینٹر کی پشت پر ہی برساتی جنگل واقع ہے، وہاں یہ محفوظ ہیں۔ ان کو دوبارہ جنگل میں چھوڑنے کے لمحات مونیک پول کے لیے ہمیشہ کچھ خاص ہوتے ہیں۔ پورے عمل کا یہ حصہ سب سے بہترین ہوتا ہے، کسی جگہ سے انہیں پکڑ کر لانا اور پھر انہیں جنگل میں چھوڑنا، یہ شاندار ہے۔ ان کا تعلق اسی جگہ سے ہے، وہ اوپر چڑھ کر سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کی ایسی کارروائیاں قابل قدر ہیں۔ کسی درخت پر اس جانور کو گھر مل جائے گا اور یہ 20 برس سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے گا۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، لیکن کہیں مت جائے گا کیونکہ بریک کے بعد دکھائیں گے آپ کو سگریٹ نوشی کرنے والے ایک شخص کی دلچسپ کہانی۔ فیس بک اور ٹویٹر، موضوعات جو زیر بحث ہیں، معلومات جو لوگوں کو جوڑتی ہیں، آپ کی رائے ڈی ڈبلیو فیس بک اور ٹویٹر پر۔ ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جزو ہے، لہٰذا اس معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں۔ وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت پاکستان۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ تمباکو نوشی انسانی صحت کے لیے کس قدر مضر ہے۔ جرمن قانون کے مطابق کھلے عام سگریٹ نوشی کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک جرمن شخص اور اس کی اہلیہ اپنے گھر کے باغ میں بھی صرف عدالتی ٹائم ٹیبل کے مطابق ہی تمباکو نوشی کر سکتے ہیں۔ اپنے ٹیرس پر سستاتے ہوئے سگریٹ نوشی ڈارٹمنڈ کے ڈرک ڈووے کے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا۔ ایک بار پھر 12 بجے سے کچھ دیر پہلے، لیکن ذرا جلدی ورنہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ڈارٹمنڈ کی عدالت مسٹر ڈووے اور ان کی اہلیہ کی اپنے گھر کے باغ میں محض مقررہ گھنٹوں کے دوران سگریٹ نوشی نہ کرنے کی سخت مذمت کر چکی ہے۔ 3 گھنٹے کے وقفے سے تمباکو نوشی کرنے کے ضابطے کی خلاف ورزی پر سخت پابندی ہے۔ سگریٹ نوشی کا ٹائم ٹیبل کچھ یوں ہے، ہمیشہ 12 سے 3 تک نہیں، 3 سے 6 تک ہاں، پھر 6 سے 9 دوبارہ اجازت نہیں، اور پھر 9 سے 12 کے درمیان ہاں۔ رات کو میں 3 بجے اٹھ کر سموکنگ کر سکتا ہوں، یہاں بیٹھ کر صبح 6 بجے تک۔ ٹیرس پر سموکنگ پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے، لیکن جب سے ڈووے نے اپنے ٹیرس پر چھت ڈالی ہے، ایک شاندار چھت، یہ جادوئی طریقے سے دھوؤں کا رخ بدل لیتی ہے۔
धुएं को यहाँ से निकलना चाहिए, जैसा कि एक चिमनी काम करती है, बाढ़ के ऊपर से टेरिस पर जरा और नीचे और फिर वहां से घर में बेसमेंट और खाबगाह की खिड़की से। करीब 3 साल से डोवे की छत और धुएं के अखराज के सिलसिले पर अदालत में गौर ख्वास होता रहा। अदालत के मुताबिक इस धुएं से पड़ोसियों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था, ताहम अदालती हुक्म में कहा गया हाँ ये बू का बायस ज़रूर है और सिगरेट नोशी का टाइम टेबल बनाने का हुक्म दिया गया। अदालत के हुक्म के मुताबिक अपने बाग में गैर शेड्यूल शुदा सिगरेट नोशी से डोवे को 2.5 लाख यूरो या फिर 6 माह तक कैद की सज़ा हो सकती है। डोवे के पड़ोसी गालिबन बहुत से जर्मन बाशिंदों की राय की नुमाइंदगी करते हैं क्योंकि सिगरेट नोशी आजकल फैशन में नहीं। तंबाकू नोशी करने वालों के लिए पहले ही शराब खानों, दफातर और हवाई अड्डों पर सिगरेट पीने के लिए अलहदा जगह मखसूस कर दी गई हैं। क्या वक्त है? 12:04 बाकी हैं। इसका मतलब है 4 मिनट में मुझे यहाँ मजीद स्मोकिंग की इजाज़त नहीं, लेकिन मैं इसके बाद आप यहाँ सिगरेट पी सकते हैं क्योंकि 12 बजे ही सिगरेट नोशी की ममानियत शुरू हो जाएगी। तहम डोवे के लिए इसका मतलब है कि सिगरेट बुझा दी जाए। ये मंतकी तो नहीं, लेकिन अदालत का फैसला है कि हर मेहमान यहाँ तंबाकू नोशी कर सकता है, रिपोर्टर भी, लेकिन डोवे नहीं। 12 बजे के बाद कोई मसला नहीं। डॉर्टमुंड में अब धुआं उस नौयत का नहीं जैसा पहले था। तो कैसा लगा आपको आज का शो? कौन सी रिपोर्ट लगी आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प? जरूर बताएं #सवाल के साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर। सवाल में शामिल रिपोर्ट्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं सवाल का खुसूसी पेज हमारी वेबसाइट dw.com/urdu पर। अब दीजिए हमें इजाजत, आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे साइंस दुनिया की मजीद हैरत अंगेज रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।